प्रदेश में कायाकल्प योजना में जिला महिला अस्पताल को मिला पहला स्थान। सीएमएस पीलीभीत होंगी सम्मानित। पीलीभीत के जिला महिला अस्पताल को उत्तर प्रदेश में कायाकल्प योजना के तहत प्रथम स्थान मिला है। महिला जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अनीता चौरसिया को भी कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में सभी अस्पतालों को बेहतर रखरखाव और सुविधाओं के लिए बजट जारी किया जाता है, जिसके बाद कायाकल्प योजना के तहत अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। पीलीभीत के महिला जिला अस्पताल को एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। महिला जिला अस्पताल को चौथी बार लगातार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो भी आपके शासनकाल में हुआ है। और ये भी सुना जा रहा है कि एक लखनऊ के समारोह में आपको सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह कब और कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। मैं जिला महिला चिकित्सालय पीलीभीत से डॉक्टर अनीता चौरसिया बोल रही हूँ। मेरे शासनकाल में लगातार हमने चौथी बार ये कायाकल्प अवार्ड योजना जीती है। ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जो है सफाई व्यवस्था और बायोमेडिकल वेस्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि बहुत आवश्यक है। मैंने अपने अस्पताल में चार्ज लेते ही सिर्फ दो पॉइंट पे काम किया था और मैंने बहुत पहले से ये काम शुरू कर दिया था। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था कि अगर हम लोग मैं से निकलकर हम पे आ जाएं पहली बार, तो उससे बहुत कुछ हम अपने व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये करी थी कि हम एक आज जहाँ आधुनिक शिक्षा को अपने जीवन में उतार के अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी हम आगे ले जाएँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भविष्य पे बहुत निर्भर करती हैं। तो मैंने इन्हीं दोनों बिंदुओं पे काम किया था और उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। हमने अपने अस्पताल में सारे, चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी हो, छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। मैं सबके बीच में बैठ के काम करती हूँ और उनको साथ में ले के काम करती हूँ। और मैंने अपने अस्पताल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चेक करी हैं, जिसको शासन स्तर पर भी बहुत अच्छा सराहा गया है और कुछ लोगों ने उसको फॉलो भी किया है। और जैसे हमने अपने अस्पताल में जो है हमारी जो खुली जगह होती थी उसका बहुत अच्छा उपयोग करा है, उसमें हमने पार्कों का निर्माण किया है और उसमें बहुत अच्छा पौधारोपण किया है और उन पार्कों का नामकरण भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके नाम पर उनको रखा था, उन्हीं से इसका इनॉग्रेशन कराया था। और उसके बाद जो है हमने वार्डों का भी नामकरण किया था, वार्डों के नामकरण